गर्मी बढ़ने के साथ ही हमें कूलर की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ने के साथ ही हमें एसी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ने से हम बेहाल हो जाते हैं, गर्मी बढ़ने से बिजली की किल्लत भी सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी को बढ़ाने में उत्तरदायी कौन है और गर्मी को कम करने में हम अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय में। नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। लगातार जंगलों का क्षरण हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं और लगातार हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान नहीं है कि आखिर लगातार ये कटते हुए पेड़ संसार में क्या कहर बरपाने वाले हैं। हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर खरीद लेते हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे खरीद लेते हैं, हमें गर्मी लगती है और हम पैसे वाले होते हैं तो हम एसी भी खरीद लेते हैं। 25,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए की एसी लाकर हम अपने घरों में लगा देते हैं और आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आने वाले समय में ये कूलर और एसी भी काम करना बंद कर देंगे और हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपका जीना भी दूभर हो जाएगा। अभी समय है, बेहतर हो कि अभी से हम सोचना शुरू करें और पेड़ों को लगाना शुरू करें। जी हाँ, कूलर और एसी जिन चीजों पर निर्भर करते हैं, जिन संसाधनों पर निर्भर करते हैं, वो संसाधन भी अगर काम करना बंद कर देंगे तो शायद ये कूलर और एसी भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इस समय लगातार खबरें आ रही हैं कि कहीं पर ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं और कहीं पर एसी में ही आग लग जा रही है। अब आप सोचिए कि जब तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तापमान को सहन कर पाना एसी के बस की बात नहीं होगी, तो एसी में आग लगना और एसी का ब्लास्ट होना एक बहुत सामान्य सी बात हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल कई ऐसे खबरें आ चुकी हैं जिसमें कि एसी में या तो आग लग गई है या तो एसी में ब्लास्ट हो गया है और उस ब्लास्ट के बाद जो वहां पर लोग बैठे थे उनकी हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर बताई गई। हमें सोचना है और हमें सोच के उस पर कुछ काम करना है जिससे कि आने वाले समय में जो परेशानियां हैं ये परेशानियां दूर हो सकें या उनको कुछ हद तक कम किया जा सके। इस समय परेशानी इतना भयावह रूप ले चुकी है कि हम अपने एसी और कूलर के लिए जिस बिजली पर निर्भर करते हैं वो बिजली के ट्रांसफार्मर ही बार बार जल जा रहे हैं। गर्मी इतना ज़्यादा है कि बिजली के ट्रांसफार्मर उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि अब बिजली के ट्रांसफार्मर को भी कूलर के हवा की जरूरत महसूस होने लगी है। जी हाँ, ये बात हवा हवाई नहीं है, ये बात सच्चाई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जानकीपुरम में एसडीओ के कहने पर वहाँ जो ट्रांसफार्मर हैं उनको कूलर की हवा दी जा रही है। कूलर की हवा देने का कारण ये है क्योंकि उनका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि बार बार जल जा रहे हैं और इतना तापमान बर्दाश्त कर पाने की क्षमता इन ट्रांसफार्मर्स में भी नहीं है। वहीं अगर बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में भी यही हाल है। प्रयागराज के कल्याणी देवी उपकेंद्र में लगातार ट्रांसफार्मर को कूलर की हवा दी जा रही है क्योंकि यहाँ भी तापमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ के ट्रांसफार्मर्स भी लगातार जल जा रहे हैं क्योंकि इतना तापमान बर्दाश्त कर पाना इन ट्रांसफार्मर्स के बस की बात नहीं रही है। तो अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में ना तो बिजली मिल पाएगी और ना ही इंसानों का जीना भी संभव हो पाएगा। बेहतर ये होगा कि हम अभी से सचेत हो जाएं और अपने आसपास कम से कम 4 से 5 पेड़ लगाना शुरू करें जिससे कि तापमान कुछ कम हो सके। आपको बता दें कि जिस जगह पर पेड़ों की अधिकता होती है वहां पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस वैसे भी कम हो जाता है और अगर इतना भी होता है तो आने वाले समय में लोगों को बहुत राहत मिल पाएगी और जो एसी और कूलर हैं वो भी काम कर पाएंगे क्योंकि एसी और कूलर को भी काम करने के लिए एक अनुकूल तापमान की जरूरत होती है। अगर ये तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन एसी और कूलर्स के भी बस की बात नहीं होगी कि उस तापमान पर आपको ये राहत दे पाएँ और ठंडक दे पाएँ। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।